Dear student, as we know that the error propagates during arithmetic operations. Now, first of all, we discuss about the combination of error in addition. Let we measure two quantity A and B, and after addition, we get quantity X. So we have X is equal to A plus B. And now let delta A be the absolute error in the measurement of quantity A, delta B absolute error in the measurement of quantity B, and delta x be the absolute error in the calculation of x. Means जब हमने क्वांटिटी a को मेजर किया तो उसमें जो एब्सोल्यूट एरर आया वो डेल्टा a, b को मेजर किया उसमें एब्सोल्यूट एरर आया डेल्टा b, और x को हमने क्या किया, कैलकुलेट किया, मेजर नहीं किया x को, हमने कैलकुलेट किया आफ्टर एडिंग a प्लस a एंड b. तो इसका जो है एब्सोल्यूट एरर होगा वो जो भी आएगा दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ x का एब्सोल्यूट एरर. So we can write equation 1 with absolute error. Absolute error के साथ equation 1 को हम कैसे लिखेंगे? Absolute error जो होता है वो plus minus sign के साथ लिखा जाता है. तो x का जो absolute error delta x है उसको हम लिखेंगे x plus minus delta x equal to a का जो absolute error delta a था उसको कैसे लिखेंगे, a plus minus delta a plus b का absolute error b plus minus delta b. Now simplify कर लीजिए, x plus minus delta x equal to a plus b plus minus delta a plus minus delta b. अब हमने क्या करना है, इसमें equation 1 को यूटिलाइज करना है. ठीक है, इस equation के अंदर equation 1 को यूटिलाइज करेंगे. equation 1 में क्या है, a plus b is equal to x है, तो हमारे पास जहां a plus b है उसकी जगह हम क्या रखेंगे, x रख लेंगे. ये हमारे पास a plus b है. ठीक है, तो इक्वेशन 1 को यूटिलाइज करने से क्या बनेगी, x प्लस माइनस डेल्टा x एज इट इज, a प्लस b की जगह x रख दिया हमने, x प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b. तो x दोनों तरफ है, x से x कैंसिल होगा, क्या बचा, प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b. ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन से हमारे पास चार पॉसिबल वैल्यूज बन जाएंगी x की. वो फोर पॉसिबल वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन एक्स क्या होगी, एक एक साइन हमें दोनों का ले लेना है. पहले हमका क्या है, प्लस साइन के साथ लेंगे, प्लस डेल्टा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. दूसरे में हमें क्या करना है, इसका प्लस इसका माइनस साइन, डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, फिर इसका माइनस इसका प्लस, माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. अब दोनों के लास्ट में क्या करना है, माइनस साइन लेना है, माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी. इन चारों पॉसिबल वैल्यूज में से जो सबसे ज्यादा एरर होगा वो कौन सा है, मैक्सिमम पॉसिबल एब्सोल्यूट एरर इन एक्स वो कब कब होगा, एक ये है प्लस, जब दोनों को प्लस किया हमने या दोनों को हमने माइनस किया. तो क्या बनता है, एब्सोल्यूट एरर प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ये आपका एब्सोल्यूट एरर हो जाता है एक्स के अंदर, क्वांटिटी एक्स के अंदर जिसको हमने ऐड करने के बाद, दो टर्म को ऐड करने के बाद कैलकुलेट किया था. ठीक है, तो चाहे आप क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं, ऐड करने के बाद आपका एब्सोल्यूट एरर भी उसके अंदर ऐड हो जाएगा. ऐड होने के बाद वो एब्सोल्यूट एरर जो होगा वो मैक्सिमम होगा. ओके.